Assalamualaikum guys. आज आपको दिखाएंगे Hyundai Sonata 2022 मॉडल जो कि 0 मीटर ब्रांड न्यू इस वक्त सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। सैगल मोटर रावलपिंडी पर आपको Hyundai Sonata के लिए कंप्लीट एक्सेसरीज की रेंज मिलेगी, जिसमें आपको इसके लिए इंपोर्टेड TXR के एयर पैड्स मिल जाएंगे, उसके अलावा ट्रंक मैट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा फ्लोर मैट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको 9D, 7D, 5D मैट्स मिल सकते हैं, उसके अलावा रबर मैट्स मिल सकते हैं, और अगर आप कारपेट मैट्स चाहते हैं जिसके ऊपर आपको Hyundai Sonata की ब्रांडिंग मिले तो वो भी यहां पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा कंप्लीट फ्लोर की मैटिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो कस्टम मेड फ्लोर मैटिंग भी Hyundai Sonata के लिए अवेलेबल है। आपको LED DRLs मिल जाएंगे Hyundai Sonata के लिए, साइड मिरर कवर्स आपको Hyundai Sonata के लिए मिल जाएंगे, कस्टम मेड टॉप कवर आपको Hyundai Sonata के लिए मिल जाएगा। कस्टम मेड टॉप कवर जो कि परफेक्ट गाड़ी की मेजरमेंट्स करने के बाद डिजाइन किया जाता है, और इसका जो कपड़ा होता है 100% वाटर प्रूफ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसके साथ साथ कंप्लीट स्क्रैच प्रूफ है। आपको कस्टम मेड सीट कवर्स मिल जाएंगे जिनके आपको 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलेगी, और साथ ही साथ छोटी मोटी तमाम एक्सेसरीज Hyundai Sonata के लिए यहां पर आपको मिल सकती हैं। इन तमाम एक्सेसरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एक्सेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। ब्लैक कलर में ये गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कलर व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, या कोई भी आप अपनी मर्जी का कलर Hyundai Sonata में खरीदना चाहते हैं तो आप सैगल मोटर्स पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट Sonata के कलर रेंज वगैरह अवेलेबल मिल सकती है। फिलहाल ये गाड़ी यहां ब्लैक में अवेलेबल है, और आज की वीडियो में आपको यही गाड़ी दिखाई जाएगी। अब कंडीशन की बात आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये टोटल ब्रांड न्यू कार है। इस वक्त मेरे पास इस गाड़ी की चाबी मौजूद है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, आई होप कि ये आपको नजर आ रही होगी। ऑप्शंस की अगर बात करते चलें, सबसे ऊपर लॉक का बटन है, उसके नीचे अनलॉक है, ट्रंक रिलीज है, और होल्ड का बटन एक आपको मिलता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप इस बटन को प्रेस करके कुछ देर तक होल्ड करेंगे जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। फ्रंट लुक आप इस गाड़ी की देख लीजिए, बड़ी ही खूबसूरत एक एग्रेसिव लुक है इस गाड़ी की फ्रंट से। साथ ही मैं आपको इस गाड़ी की रियर लुक भी क्विक सी दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद हम आपको इस गाड़ी का इंटीरियर का विजिट कराएंगे और हम इस गाड़ी की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। रियर लुक है जी इस गाड़ी की कुछ इस तरह से, और बड़ी ही खूबसूरत एक एग्रेसिव सी स्लोपी सी शेप बनती है, और डकटेल शेप के साथ कंबाइन करके बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। जल्दी से आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूं और फिर हम तफसील से इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये Sonata का 2.5 लीटर वाला वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। बेसिकली Hyundai Sonata जो है इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 2000 सीसी वाले इंजन के साथ आता है, जबकि ये जो है आपके सामने ये 2500 सीसी वाले इंजन वाला वेरिएंट इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप भी एक Hyundai Sonata खरीदना चाहते हैं, ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। तफसीलात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चले जी, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और इस गाड़ी को हम जल्दी से स्टार्ट भी कर लेते हैं, और फिर मैं आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर जरा तफसील से दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से यह गाड़ी आपको वेलकम करती है। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि पाकिस्तान की समझ लीजिए कि पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपको मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यहां पर अगर आप नजर डालें, अभी लाइट बहुत ज्यादा है, रुके मैं जरा आपको लाइट कम करके दिखाता हूं। यहां पर अगर आप नजर डालें तो ये बेसिकली इसका हेड्स अप डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको इस गाड़ी की डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन शो होती है। हाई स्पीड्स पर हाईवेज के ऊपर चलते हुए आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ नजर डालने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक किस्म की समझ लीजिए कि रोड के ऊपर आपकी नजरें होंगी, और हेड्स अप डिस्प्ले जो इसका है ये रोड के ऊपर ही स्पीड को प्रोजेक्ट करता है। आपको ऐसा फील होता है कि स्पीड आपको रोड के ऊपर ही नजर आती है, बट ये स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, और एक समझ लीजिए कि सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा, अगर हम मजीद इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, और पाकिस्तान की पहली गाड़ी है ये जिसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। वैसे नॉर्मली 2 एयरबैग्स आपको तमाम गाड़ियों के अंदर मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और काफी सारे फीचर्स हैं, जैसा कि इस गाड़ी की जो रियर विंडस्क्रीन है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल कर्टन का ऑप्शन मिलता है। एक बटन को आप प्रेस करेंगे और ये कर्टन जो है इसका इलेक्ट्रिकली ऊपर और नीचे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और
और इसके लिए बटन आपको यहाँ ऊपर रूफ पर दिया गया है। इस गाड़ी की जो रियर विंडोज है उनके अंदर भी आपको कर्टन मिल जाते हैं, बट वो मैनुअल होते हैं, जबकि ये जो इसकी रियर विंडस्क्रीन है इसका कर्टन आपको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मिलता है। उसके अलावा इसके ये जो मिरर है इसमें भी आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा एक बड़ा ही कूल फीचर है, इस गाड़ी का जो गियर कंट्रोल यूनिट है जो कि गियर शिफ्टिंग यूनिट है वो यहाँ पर आपको बटन की फॉर्म में मिलता है। Hyundai इसको शिफ्ट बाय वायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी कहती है। सबसे मेन चीज ये कि यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल लेआउट मिलता है, रिवर्स का बटन है, न्यूट्रल है, ड्राइव है और पार्क का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको यूज करना बहुत आसान है और लुक वाइज ये थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ आपको लेकर चलता है। उसके अलावा मजीद अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो ये एक और प्रीमियम लग्जरी फीचर है। ड्राइवर और फ्रंट वाला पैसेंजर अपनी मर्जी से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है, ऑटो होल्ड का फीचर भी है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर उतराई में आप खड़े हैं या चढ़ाई में आप खड़े हैं तो गाड़ी को जब आप पार्क करेंगे या स्टॉप ब्रेक लगाएंगे तो कुछ देर के लिए जैसे ही आप ब्रेक से पांव उठाएंगे इसकी गाड़ी की ब्रेक अप्लाई रहेगी, फिर जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को जो इसका ऑटो होल्ड वाला फीचर है वो खुद ऑफ हो जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी रिवर्स में नहीं आती ऐसी सिचुएशन में। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर तमाम बेसिक फीचर जैसा कि ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के तमाम बेसिक फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें फ्रंट बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। एक और बहुत अच्छी चीज चेक के इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर 6-speed कन्वेंशनल ट्रांसमिशन आती है, इसमें CVT नहीं है ना ही DCT है, इसमें कन्वेंशनल आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, बट अगर आप उसको मैन्युअली कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन दिया गया है। और एक और चीज कि इस गाड़ी के अंदर आपको 5 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें कस्टम मोड है, स्पोर्ट मोड है, उसके अलावा इसमें कंफर्ट मोड है, इको है और स्मार्ट मोड शामिल है, तो अपनी मर्जी से आप इसके डिफरेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 8 inches का ये फ्लोटिंग डिस्प्ले है जो कि लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगता है। गाड़ी का डैशबोर्ड अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़ा ही मॉडर्न है, बहुत ही खूबसूरत है, खासतौर पर स्टीयरिंग व्हील बहुत प्यारा लगता है, डिफरेंट सी लुक है स्टीयरिंग व्हील की। यहाँ पर आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, बाकी क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल आपको इस गाड़ी पर मिल जाएंगे। उसके अलावा एक और सबसे अच्छा फीचर है इस गाड़ी का और वो है इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ। हम इसको जरा ओपन भी कर लेते हैं और इसका ये जो कर्टन है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है, ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि इसमें आपको रियर साइड पर भी पूरा इसका जो रूफ है वो ग्लास का मिलता है। तो मैं आपको जरा बाहर आकर दिखा देता हूँ इस गाड़ी का सनरूफ, तो कुछ इस तरह से ये लुक आती है इसके सनरूफ की। और पाकिस्तान की ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये Hyundai Sonata कैसी लगी। और मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। अगर आप भी एक Hyundai Sonata खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी यहाँ आपको मिल सकती है। तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 8.4 million rupees। अच्छा, तो अब हम जरा एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक बड़ी ही जबरदस्त है, बहुत ही डिफरेंट लुक आपको देती है, खासतौर पर ये DRLs और ये इसके प्रोजेक्टर लैंप्स बहुत प्यारे लगते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी के फ्रंट पर और बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इस गाड़ी की जो एक्सटीरियर लुक्स हैं उसमें आपको काफी सारा क्रोम का यूज मिलता है, जिससे गाड़ी की जो एक्सटीरियर लुक है उसमें भी एक प्रीमियम फील आती है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 18 inches के अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिनके ऊपर आपको पिरेली के टायर्स मिल जाएंगे। और अगर आप गाड़ी की साइड लुक देखें, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक बड़ी ही खूबसूरत आपको इसके अंदर कैरेक्टर लाइंस नजर आएंगी। और एक और चीज कि इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये डोर माउंटेड हैं, पिलर्स के बजाय ये डोर माउंटेड साइड व्यू मिरर्स जो होते हैं एक तो लुक वाइज खूबसूरत लगते हैं, दूसरा मॉडर्न लुक देते हैं गाड़ी को। अगर आप इस तरफ से देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। प्लस इनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन भी मौजूद है, तो की अगर आपके पास है तो बगैर की के ऊपर कोई भी बटन प्रेस किया आप गाड़ी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बैक साइड पर अगर आप आ जाएं तो यहां पर आपको ब्रांडिंग गाड़ी के ऊपर बहुत ही मुख्तसर है, Hyundai का बैज मिड में मौजूद है, नीचे आपको Sonata की बैजिंग मिल जाएगी और इस तरफ आपको इसके इंजन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि 2500 cc इंजन इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। बाकी रियर लाइट्स बहुत प्यारी लगती हैं, ये जो एक पूरा का पूरा बार चलता है बैक साइड पर ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। सो एक्सटीरियर और इंटीरियर आपने गाड़ी का देख लिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ी की जो लेग स्पेस है ये बहुत ही डिसेंट है, मतलब अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करें किसी भी कॉम्पैक्ट सेडान के साथ जैसा कि Corolla या Honda Civic के साथ, तो इसकी लेग स्पेस उन गाड़ियों से ज्यादा है। बहुत जबरदस्त किस्म का आपको एक प्रीमियम सिटिंग पोजीशन इस गाड़ी में आपको मिल जाती है, मतलब कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको इसमें मिलती है। प्लस इस गाड़ी की ये जो सीट्स हैं ये नापा लेदर की हैं। और दूसरी चीज ये कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इनके अंदर आपको 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भी दी गई है, और ड्राइवर सीट के अंदर आपको लंबर स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है। सो चले मैं आपको जल्दी से इसका जरा इंजन बे भी दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, एक चीज जो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे, इसका जो हुड है इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक शॉक्स भी मिल जाते हैं, तो आपको वो रॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी होती है जब आप इसको ओपन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंसुलेशन शीट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो कैबिन नॉइज है वो बहुत कम है, साउंड इंसुलेशन इस गाड़ी की बहुत अच्छी हुई हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये है इस गाड़ी का कंप्लीट इंजन बे का लेआउट, हर एक चीज बड़ी नीटली बड़ी जबरदस्त तरीके से पैक्ड है। उसके अलावा इस गाड़ी को, इसका जो इंजन बे है मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। तो ये 2500 सीसी चार सिलेंडर वाला इंजन है जो कि इनलाइन फोर सिलेंडर की फॉर्मेशन में आता है। सो इसको हम वापस क्लोज कर देते हैं और मैं आपको बताता चलूं कि ये नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है इस गाड़ी के अंदर। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ह्यूंडई सोनाटा कैसी लगी, और मैं आपको बताता चलूं कि ये 2022 का बिल्कुल फ्रेश मॉडल है और ये गाड़ी 0 मीटर है, बिल्कुल अनयूज्ड है। तो अगर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी ह्यूंडई सोनाटा खरीदना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर आप विजिट कर सकते हैं, और मजीद तफसीलात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk इस पर विजिट कर सकते हैं।